करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 के अगले एपिसोड का प्रोमो आ गया है, जहां आपको अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा नजर आएंगे और लगता है कि एपिसोड इस सीजन के सबसे चटपटे एपिसोड्स में से एक होने वाला है। करण अक्सर इस शो पर खेल खेल में स्टार से कई राज बलवा लेते हैं और इस बार तो करण जौहर ने ऐसी बातों से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। एपिसोड के प्रोमो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले करण इन दोनों सितारों का स्वागत करते हैं और फिर खूब मस्ती भरे सवाल पूछते हैं। आप सबसे ज्यादा तब चौंकेंगे जब करण जौहर विजय देवरकोंडा से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी थ्रीसम किया है, जिसके जवाब में विजय नहीं कहते हैं। इसके बाद करण उनसे पूछते हैं कि क्या वो थ्रीसम करना चाहेंगे, जिसके बाद विजय देवरकोंडा कहते हैं कि वो उसे माइंड नहीं करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती है। करण जौहर ने विजय से ये भी पूछा कि क्या कभी पब्लिक प्लेस में वो फिजिकल हुए हैं, इसके जवाब में विजय कार कहते हैं। विजय देवरकोंडा का ये जवाब सुनकर करण उनसे पूछते हैं कि क्या कार्स कंफर्टेबल होती हैं, इसके जवाब में विजय कहते हैं डेस्परेट टाइम्स। इतना ही नहीं, करण अनन्या पांडे से भी पूछते हैं कि उनके और आदित्य रॉय कपूर के बीच में क्या चल रहा है। करण अपनी पार्टी के बारे में भी बताना शुरू करते हैं, लेकिन अनन्या उन्हें चुप करा देती है। अब आखिर करण अनन्या पांडे का कौन सा राज खोलने जा रहे थे? क्या वो चुप हो जाएंगे या फिर एक और राज से पर्दा उठाएंगे? ये जानने के लिए हमें फुल एपिसोड का इंतजार करना होगा।